हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या कहती हैं ये जानते हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंडिविजुअल एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो एट ऑफ क्वाइंस एंड आपको ये एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जीज सेंस कर पा रही हूँ गाइस। आपने अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स एक लॉजिकल अप्रोच रखा हुआ है, एक टफ लव शो कर रहे होंगे आप, एक कोल्ड वे में बने हुए हो। दैट इज़ वाई ये पेशेंस रख रहे हैं, एक वे में एक परसिवरेंस बनाकर रख रहे हैं। अपनी किसी स्किल को ये एक मास्टरिंग में लेकर आ रहे हैं गाइस। यानी कि अगर आपने इन्हें कहीं पर कुछ लॉजिकल वे में बात की है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ऑब्वियसली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर रख रही होंगी अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स, और लिटरल वे में अगर आपने इन पर किसी बात को लेकर पॉइंटिंग आउट किया है और वहाँ पर इनको अपने एरिया पर बहुत ज़्यादा काम करना था, अपने आप को सुधारना था, किसी पर्टिकुलर से स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना था, तो ज़रूर ये उसी काम में लगे हुए हैं। क्योंकि इनको पता है अगर ये उस वे में काम करेंगे या फिर अपने आप को उस एरिया में संवार लेंगे या सुधार लेंगे तो ज़रूर आप इनके टूवर्ड्स एक अटेंशन दिखा पाओगे। लेकिन आप लोगों ने इनके साथ हर वे में एक बाउंड्रीज खींच के रखी है, एक लिमिटेशंस खींच के रखी है, और आप जो भी बात कर रहे हो वो बहुत ही प्रैक्टिकल या लॉजिकल है। एंड मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर कोई एक्शन भी नहीं दिखा रही होंगी कि जब तक आप उस सिचुएशन में या फिर उस पर्टिकुलर से एरिया में खुद को एक स्किल्ड मास्टर की तरह मुझे शो नहीं करते तब तक मैं आपको कोई चांस नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। ये आपने अपने मैस्कुलिन को ऑलरेडी शायद कह दिया होगा, या फिर आपके जेस्चर इस तरह की आप दिखा रहे हो उनके टूवर्ड्स के यू आर बीइंग अ क्वीन ऑफ सोर्स हियर। यहाँ पर कुछ भी लेसर वे में एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि आपके मैस्कुलिन अगर आपसे कुछ चाह रहे हैं या फिर आपको लीस्ट ऑफर कर रहे हैं तो आप उसके लिए रेडी नहीं हो। आपने इनसे जो मांगा है, जिस वे में मांगा है, आपको उसी वे में चाहिए, क्योंकि अब आप इनके टूवर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल या लॉजिकल पर्सन बने हुए हो और इसी वे में आपको देख रहे हैं। बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए अपने मैस्कुलिन की तरफ से कोई एक जेस्चर देखने को मिला है, कम्युनिकेशन देखने को मिला है, कुछ इन्होंने ऐसा शो किया था जहाँ पर आपका एक्शन या रिएक्शन बनता था। लेकिन फेमिनिन्स यहाँ पर कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं दिखाती हुई मुझे नजर आ रही हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर बीइंग वेरी वेरी मच पेशेंट टूवर्ड्स यू एंड एक लविंग डिटर्मिनेशन में आ गए हैं आपके टूवर्ड्स। इनको आगे बढ़ना ही है, उसके लिए इनको अगर किसी भी वे में अपना हार्ड वर्क रखना पड़े, अपने स्किल्स को मास्टर करना पड़े, ये करेंगे। और अगर आपने इनको कुछ करने के लिए कहा है, आपने इनको कोई डेडलाइंस वगैरह दी हैं, तो ये उस डेडलाइन के टूवर्ड्स काम कर रहे होंगे गाइस। और इनको एक डिटरमाइंड वे में मैं देख पा रही हूँ, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और आपके लिए ज़रूर कुछ करना चाहते हैं। आपको इस वे में ये नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, यानी कि यू आर बीइंग अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर, यू आर बीइंग सो कोल्ड टूवर्ड्स देम। यहाँ पर कोई प्यार आप नहीं दिखा रहे हो, कि जस्ट इमेजिन कोई पर्सन एक बहुत ही वॉर्म पर्सनैलिटी से सडनली कोल्ड बिहेवियर में आ जाता है तो सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है, वही आपके मैस्कुलिन सेंस कर पा रहे हैं। काफ़ी सारी फेमिनिन्स इतने टाइम तक अपने मैस्कुलिन से हो सकता है अलग नहीं रही हैं, क्योंकि इस बार कुछ अलग हुआ है आपके मैस्कुलिन के साथ, इसीलिए वो आपको हासिल करने के लिए मे बी एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को सुधार रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, डिटरमाइंड है। दैट इज वाई ये एक पेशेंटली हार्ड वर्किंग एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। ये अपने मैस्कुलिन को
3D लेवल पर किन एनर्जीज में देख रही हैं। तो आज जैसे हम थीम फॉर टुडे में डिस्कस कर रहे थे, उसी के चलते आपने अपनी एग्जिस्टेंस सामने वाले को महसूस करवाया है कि आप अगर एक टाइम बहुत ही एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बन सकते हो, तो एक टाइम आप एक फायरी टाइगरस की तरह भी शो हो सकते हो। आप लोगों की एनर्जीज एक बोल्ड, एक एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी की तरह शो हो रही हैं यहाँ पर। यू गाइज आर टेकिंग रिस्क, यू गाइज आर टेकिंग अ फायरी एक्शन, और ये आपके लाइफ के किसी और एरिया में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैस्कुलिन की लाइफ में हो रहा है, नो आपकी लाइफ में जो अदर मॉन्स्टर सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक्शन लेना था, आपको खुद में एक बोल्डनेस लेकर आनी थी, तो ये मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने हो सकता है आज कर दिखाया है, या फिर अभी तक अगर आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है तो यू आर बीइंग पुश्ड टू डू दिस। सो अगर ये लिटिल एक्शन नहीं है तो एटलीस्ट आपने जेस्चर्स द्वारा एक्सप्रेस किया है कि आप एक टाइम पर अगर अच्छे बन सकते हो तो एक टाइम पर आपकी ऐसी पर्सनालिटी भी शो हो सकती है। जो गलत है उसके साथ आप गलत हो, जो सही है आप उसके साथ बहुत सही हो। तो ये आपने किसी को शो किया है गाइस, और हो सकता है आपके लाइफ के किसी बिगेस्ट या फिर ह्यूज मॉन्स्टर को आपने कॉन्कर करने का एक एक्सप्रेसिव बोल्ड एक्शन लिया है, या फिर एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, तो वही आपने किसी के सामने प्रेजेंट किया है। और मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स अगर अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स ये एक्शन रख रही हैं, तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन को भी आपने किसी वे में ऐसा जेस्चर दिखा दिया है कि आप अच्छों के लिए बहुत अच्छे हो, और जो ख़राब लोग हैं आपकी लाइफ में उनके लिए बहुत ख़राब भी बन सकते हो। तो आपने दोनों साइड्स अपने दिखाए हैं, अपना एक ड्यूअल नेचर दिखाया है कि एक टाइम पर आपने इनको बहुत प्यार दिखाया था, उस प्यार की इन्होंने शायद कदर नहीं की थी, क्योंकि ये आपको अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स के लिए ये एनर्जीज आपके मैस्कुलिन के साथ भी बन रही होंगी, क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन को यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में देख रहे हो, यानी कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ अ लॉस, यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि अनफेयर एडवांटेज आपके मैस्कुलिन ने आपसे लिया है, और कहीं किसी वे में 3D लेवल पर ये आपको जो जेस्चर्स शो कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है लाइक एक काइंड ऑफ अ हॉलो विक्ट्री, ये आपके सामने एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो विक्ट्री ही नहीं है, इनकी जीत आपकी हुई है। और अगर आपके मैस्कुलिन ने किसी वे में आपको एक अटेंशन सीक करने के लिए कुछ ऐसा सिली सा एक्शन दिखाया है, तो यू आर जस्ट बीइंग पिटी ऑन योर मैस्कुलिन। तो ऐसा ही कुछ आपके मैस्कुलिन अगर शो कर रहे हैं, तो आप इनको अटेंशन ना दिखाकर, या फिर यू गाइज आर बीइंग सो कोल्ड टुवर्ड्स देम, ये आप लोगों का एक वे है टू इग्नोर पीपल, या फिर टू इग्नोर सच सिली थिंग्स जो आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं। ये वाला मेरा एक्शन या फिर ये वाला मेरा एक एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, बिगर वे में करना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा करो, यू नो ये हमारे फेमिनिन्स के वर्ड्स हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन आप अपने मैस्कुलिन के साथ सेंस कर रहे हो। तो एग्जिस्टेंस आपने दिखा दी कि आप क्या चीज़ हो, और आपने ये भी दिखा दिया कि हाउ प्रोटेक्टिव यू कैन बी एट टाइम्स, लेकिन जब आपको छेड़ा जाए कि आप जब कुछ बना सकते हो तो आप कुछ बिगाड़ भी सकते हो, आप लोगों के लिए बस एक चुटकी बजाने वाला काम है। तो जस्ट ऐसी एनर्जीज मुझे हमारी फेमिनिन्स की शो हो रही हैं, दे आर बीइंग वेरी फायरी, और ये एक्शन आपका बनता ही था गाइस। अगर आपके लाइफ के अदर एरियाज में आपको किसी ने इस प्रकार से तंग कर दिया था, तो आपने फाइनली जवाब दे दिया कि आपके कितने सारे रूप हो सकते हैं, और आप अच्छों के साथ कितने अच्छे हो सकते हैं, कितने लॉयल हो सकते हैं, और जो आपके साथ चीट करता है, बिट्रे करता है, जो आपको डिसअपॉइंट करता है, एक डिसऑनेस्टी रखता है, आपका एडवांटेज लेता है, आप उसके साथ किस वे में भी बन सकते हो। आपने कई सारे रूप यहाँ पर दिखाए हैं, तो ये आपके मैस्कुलिन को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा रूप इन्होंने शायद आपका कभी देखा नहीं होगा। और अगर ये आपके किसी लाइफ के मॉन्स्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनको भी आपका ये रूप देखना था,
तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली एक रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी बनके अपना वो फायरी रूप यहाँ पर इनके सामने रख रहे हो। ऑलराइट, अब देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक ऐसी सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर से बाहर आएंगे, क्योंकि इन्हें आना पड़ेगा गाइस। आप इनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी हो गाइस जो हो सकता है मोस्ट ऑफ द वेज में आप इनके लिए एक अबंडेंस हो, एक अचीवमेंट हो, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो। और आपको अचीव करने के लिए इन्हें जितने भी सारे माइलस्टोन्स को कॉन्कर करना पड़े ये करने के लिए रेडी हैं। और अगेन द डेविल इज द कार्ड ऑफ सेल्फिशनेस गाइस। काफ़ी टाइम तक ये सेल्फिश बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका हायर सेल्फ इनको सेल्फिश बने रहने नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर आपके डेडिकेशन चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, आपके मैस्कुलिन आपको जिस भी वे में एक एक्शन या रिएक्शन शो करते हैं वो आप ही की थॉट्स की वजह से हो रहा है। और ये जो आजकल की जो एनर्जीज बनी हुई है ना, ये इसलिए बनी हुई है इस वे में क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सच बता रही हूँ, आपका फोकस अपने लाइफ के किसी और ही एरिया पर है और इसीलिए आपके मैस्कुलिन यहाँ वहाँ घूमते जा रहे हैं। आपने इनको शायद कह दिया होगा इवन लिटरल वेज में भी कि आप घूमते रहो, मुझे मेरा काम कंप्लीट करके आने दो, फिर उसके बाद मैं आप पर आती हूँ, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी यू गाइज आर शोइंग टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चलो आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया पर फोकस कर रहे हो, वहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, फाइन। लेकिन आप अपने पर्सन से यानी कि अपने मैस्कुलिन से एनर्जीज का विड्रॉल भले ही 3D पर रख लीजिए, लेकिन 5D लेवल पर इनको एक लव एंड लाइट सेंड करते रहिएगा और इनसे भी आप वो सारी चीजें सीख कर सकते हो, जिससे क्या होगा इनके जो भी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि मुझे नजर आ रहे हैं ये कुछ जरूर प्लान कर रहे हैं, किसी चीज से छूट कर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये चीज करने के लिए इनको एक एनकरेजमेंट की जरूरत है। आप वैसे भी 3D लेवल पर इनके लिए एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स बने हुए हो, आप कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की एनर्जीज ऐसी ही हैं कि अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स अभी फॉर राइट नाउ कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहती। और आपके मैस्कुलिन आपको एक बहुत ही कोल्ड वे में सेंस कर रहे हैं, आपका ऐसा रूप इन्होंने शायद नहीं देखा था। तो मे बी दे आर जस्ट बीइंग डिटरमाइंड टुवर्ड्स यू, अपने एंड से ये जितना हो सके आपको आपका अटेंशन सीक करने के लिए भले किसी भी वे में, इवन एक सिली वे में भी रिएक्ट कर रहे हों, लेकिन ये आपका अटेंशन चाहते हैं और इसीलिए ये एक चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, फाइन। और ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं आपको इनके टूवर्ड्स एक एनकरेजमेंट सेंड करनी पड़ेगी, एक इंस्पिरेशन सेंड करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेंथ सेंड करनी पड़ेगी, तभी ये कुछ एक्शन ले पाएंगे। ये एक्शन इनका इतना आसान नहीं है गाइस, इनको लिटरल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैं एग्जैक्टली कहना यही चाहती हूँ गाइस कि ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की ज़रूर विश कर रहे हैं, एक मौका देख रहे हैं कि किस वे में आपसे कम्युनिकेशन छेड़ा जाए, क्योंकि जो आपका लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा शायद पेनफुल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज रही होंगी आप लोगों की। और इनको पता है इन्होंने जिस भी वे में आपके साथ बिहेव किया था वो एक सेल्फिश वे में था और इन्होंने अपने आप से झूठ बोलकर आपको मैनिपुलेटिव वे में अप्रोच रखा था आपके साथ, यू नो। अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा है तो ज़रूर ये आपको एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज में ही लेकर जाना चाहते थे, ताकि उस टाइम जो आप इनसे चाह रहे थे वो आपको शायद नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये झूठ बोलकर वहाँ से एक एस्केप वाली एनर्जीज में चले गए। जब इन्होंने एस्केप किया तब शायद आप लोगों का दिल टूटा होगा। आपकी अभी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग वे में टर्न हुई है ये इन्होंने नहीं सोचा था, इनको लग रहा था शायद आप एक कमबैक ज़रूर दिखाओगे इनके टूवर्ड्स जो आप हमेशा दिखाते थे, लेकिन अब आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है और ये सुधार नहीं देख पा रहे हैं, तो इसीलिए ये शायद मौका तलाश कर रहे हैं। जैसे इनको कोई मौका मिलेगा तो ये एक प्लान्ड एक्शन के साथ यहाँ पर कुछ
करने वाले हैं, जिसके चलते आप दोनों ही एक दोबारा से एक यूनियन में आ सकते हो, या फिर एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप या फिर एक कम्युनिकेशन में आ सकते हो. ऑलराइट, वेयर दिस होल सिचुएशन इज लीडिंग. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इनके सामने बहुत कुछ अभी एकदम नेगेटिव वे में बना हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है और आप इनके टूवर्ड्स एक फोकस नहीं दिखा पा रहे हो. फिर भी ये कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इनका हायर सेल्फ इनको शायद एक डाउनलोड दे रहा होगा कि आप जो भी परेशानी में हो, जिस भी वे में आप बने हुए हो इनके साथ, ये मैस्कुलिन्स के साथ एग्जैक्ट वे में नहीं है, डायरेक्ट वे में नहीं है, लेकिन आपकी जो अदर पार्ट ऑफ द लाइफ है वहां पर हो सकता है परेशान हो. ये इनके हायर सेल्फ को तो जरूर पता है, फाइन. और इसीलिए ये एक कॉन्फिडेंस में तो है कि यस, यू आर गोइंग टू कम बैक इनटू देयर लाइफ्स एंड आप कोई ना कोई एक्शन जरूर दिखाओगे. इसीलिए ये एक होपफुल एनर्जीज में है. मे बी तब तक ये अपना वो पैशन बनाकर रखेंगे गाइस, और यहाँ पर एक पैशनेट एनर्जीज एक एक्शन में कन्वर्ट होगी, और बहुत जल्द मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स जब अपने लाइफ के एरिया से बाहर आ जाएंगी जहाँ पर अब ये स्टक हैं, एक बार वो सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई, तब आप अपने मैस्कुलिन की तरफ एक प्रॉपर वे में ध्यान दे पाओगे, इनको वो स्ट्रेंथ मिलेगी और आप इनसे वो एक्शन ले पाओगे. और जो अदर फेमिनिन्स हैं जिनकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन से अभी नाराज हो, जैसे ही वो आपकी नाराजगी ख़त्म हो जाएगी, आप दोबारा से इन पर फोकस करना शुरू करोगे 3D लेवल पर, और इवन 5D लेवल पर भी इनसे ऐसी कनेक्टिविटी बनाओगे कि ये 3D लेवल पर इन सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, और एक अपॉर्चुनिटी खुद में ज़रूर ढूंढ लेंगे कि आपके टूवर्ड्स एक कम्युनिकेशन या नेक्स्ट एक्शन रख सकें. ऑलराइट गाइस, तो आज की एनर्जी शिफ्ट्स में बस इतना ही था. आई होप बहुत लोगों के साथ आज का ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.